हेलो फ्रेंड्स, वी पॉइंट फोर टू बी आईज देखते हैं। ये एक्चुअली मॉडेम यूज करते हैं। सपोज मॉडेम के पास कोई डेटा आता है, ये इसे इसे कंप्रेस करता है LZW का यूज करके, और फिर इसको जो भी कंप्रेस डेटा है उसको सेंड कर देता है। तो इसमें क्या है कि ये दो मोड में काम करता है, ट्रांसपेरेंट और कंप्रेस्ड मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है कि डेटा आएगा तो उसको एज इट इज ये सेंड कर देता है, बट कंप्रेस्ड में क्या है कि डेटा आता है इसके पास, मॉडेम के पास, तो इसको पहले कंप्रेस करेगा उसके बाद इसको सेंड करेगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो मोड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सिर्फ सेकेंड होता कि हमें कंप्रेस ही करना है तो कंप्रेस करके ही हम सेंड करते हैं। बट क्या होता है कभी कभी LZW का हम यूज तब करते हैं जब डेटा में पैटर्न होते हैं। अगर अगर जो भी डेटा है उसमें पैटर्न नहीं है तो हम इसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट मोड हम तब यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे डेटा हमारे पास आ रहा है और हमें इस डेटा के बारे में कुछ नहीं पता कि इसका पैटर्न क्या है, तो इसको हम LZW से कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट मोड में क्या होता है कि ये इस डेटा को एज इट इज सेंड कर देता है। या फिर दूसरा रीज़न इसका ये है कि सपोज कोई डेटा है वो पहले से ही कंप्रेस्ड है किसी और मेथड से, और फिर ये जो कंप्रेस्ड है वो इसके पास आ रहा है मॉडेम के पास, तो ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड जो डेटा है उसको हम दोबारा अगर कंप्रेस करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका साइज घटने के बजाय थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा कंप्रेशन टेक्निक की वजह से। तो अगर ये दो हैं सिचुएशंस, तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट मोड का यूज कर लेते हैं। और अगर डेटा में पैटर्न है हमको पता है, तो इसलिए तो इस टाइम पे हम कंप्रेस्ड मोड का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि ट्रांसपेरेंट मोड अगर होगा तो हमेशा के लिए यही होगा, या फिर कंप्रेस्ड होगा तो हमेशा के लिए यही होगा। सपोज क्या है कि डेटा में पैटर्न नहीं दिख रहा है तो पहले ये ट्रांसपेरेंट मोड पे है, और कुछ देर बाद इसमें पैटर्न मॉडेम को दिखने लगा है तो ये ट्रांसपेरेंट मोड से शिफ्ट हो जाएगा कंप्रेस्ड मोड से, और फिर डेटा को कंप्रेस करके सेंड करता रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड है वर्जन 4.42 BIS। थैंक यू फ्रेंड्स।